तो आज हमारे पास वो ब्रांड की स्मार्ट वॉच आ रखी है जो इंडिया का सबसे चहेता रहा है। मतलब आपने इनकी बहुत सारी वॉचेस पहनी होंगी, नॉर्मल वाली वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस नहीं, बट फाइनली इन्होंने स्मार्ट वॉचेस सेगमेंट में कदम रखा है क्योंकि कंपटीशन जो कहता है। तो इन्होंने अपनी एक नई वॉच लॉन्च करी जिसका नाम है FS1 Pro करके, और ये वॉच कुछ इस तरह के डब्बे में आती है और अपन ने पहन के यूज कर ली इस वॉच को। बट एक जो मेरा एक्सपीरियंस था ना फास्टैग की वॉचेस के साथ में बड़ा खराब रहा था। मैंने जो पहले इनकी वॉचेस रिव्यू की थी ना, मजा नहीं आया था मेरे को, बट ये वाली वॉच थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, तो बताऊंगा वीडियो में। बट उससे पहले आप लोगों को छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि आगे भी हमारी मुलाकात होती रहे। जो प्यार है ना हमारे बीच, आगे भी ऐसी बना रहे। और डब्बा खोलेंगे, डब्बा देखो बड़ा ही क्यूट सा डब्बा देखने को मिलता है आपको, नॉर्मल वो रेट्रो टाइप की जो आते थे वॉचेस उस तरह का डब्बा है, बट स्मार्ट इसमें लिख रखा है फास्ट ट्रैक स्मार्ट। और डब्बा खोलते से आपको आपकी वॉच मिल जाएगी। कंटेंट पैकेज की बात करूं मैं यहाँ पे, तो खास आपको कुछ चीज़ें मिलेगी नहीं, जैसे कि आप जानते हैं कि एक मैनुअल दे रखी है इन्होंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन वगैरह के हिसाब से, और साथ में आपको मिल जाएगी एक वारंटी कार्ड जो कि आप क्लेम कर सकते हो, और प्लस आपको मिल जाती है आपकी चार्जिंग केबल जो कि पोगो पिन वाली है। तो पैकेजिंग थोड़ी मुझे यहाँ पे इंटरेस्टिंग लगी, मतलब कुछ अलग है, क्योंकि नॉर्मल जो कार्डबोर्ड वाला डब्बे आते हैं उसको हटा के इन्होंने ये एल्यूमिनियम वाले डब्बे दिए, तो थोड़ा सा यूनिक कहीं ना कहीं फील आ जाता है। बट वॉच के बारे में बात कर ले हम लोग यहाँ पे, तो ये जो वॉच भाई लुक के मामले में बहुत सही लगी मुझे, और मैंने ना ये टील ग्रीन वाला कलर बुलाया क्योंकि मुझे पर्सनली थोड़ी सी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। और देख सकते हो आप क्या पैरिस लुक है इसके, प्लस जो इसके स्ट्रैप में जो आप टेक्सचर देख रहे हो ना वो कहीं ना कहीं इसके थोड़े से वाइब्रेंस को बढ़ा देती है। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रैप दे रखे हैं ये है 22mm के, चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो, कि पिन वाला ऑप्शन आपको दे रखा है यहाँ पे। बट नजर डालोगे आप इसकी जो वॉच का डायल है ना, डायल बहुत सही लग रहा है, और ये ना मेटलिक ब्राउन वाला जो है टच आपको यहाँ पर दे रखा है इसके डायल में, जो कि इस कलर कॉम्बिनेशन में बहुत परफेक्ट सेट हो रहा है। साथ ही आप डायल को देखोगे तो ये थोड़ा डेफिनेटली बड़ा है, मतलब जिनकी रिस्ट थी ना उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट ब्रॉड रिस्ट वालों के हाथ में ये वॉच बहुत डेफिनेटली सही लगने वाली है। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्व्ड जो इनका डिस्प्ले है वो बहुत सही लग रहा है, कर्व्ड ग्लास भी लगा रखा है उसके ऊपर उन्होंने टॉप पे प्रोटेक्शन के हिसाब से, तो वो कहीं ना कहीं आपको डिफरेंट देखने को मिलता है जो वॉचेस नॉर्मली आपने देखी होंगी। साइड में उन्होंने एक क्राउन दे रखा है जो कि सिर्फ बटन की तरह काम करता है, मतलब वो रोटेटिंग क्राउन वाला फंक्शन नहीं है इसमें, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ, ये दे सकते थे मतलब वो फंक्शन ऐड कर सकते थे। बट अगर बाकी बात करें तो यहाँ पर माइक्रोफोन दे रखे हैं, अदर साइड में देखोगे तो आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, नीचे आपके बॉटम में सारे सेंसर वगैरह दे रखे हैं, तो फिजिकली लुक वाइज तो ये वॉच डेफिनेटली बहुत कैची और अट्रैक्टिव है। बट जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो है इसका सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि 1.96 इंच का काफी मैसिव डिस्प्ले है, और एमोलेड के साथ में भाई बहुत अच्छा लग रहा है। और इसका एमोलेड बेहतर क्यों लगता है उसके पीछे रीजन है, 410x502 पिक्सल रेजोल्यूशन जो उन्होंने यहाँ पर यूज कर रखा ना डिस्प्ले, उसकी वजह से काफी शार्प और क्रिस्प दिखता है, तो नो डाउट भाई सुपर एमोलेड डिस्प्ले कहीं ना कहीं आपको बहुत सही मिलता है। और जो ब्लैक्स हैं वो डेफिनेटली ब्लैक नजर यहाँ पर आते हैं। और ब्राइटनेस की मैं बात करूँ तो ब्राइटनेस आपको मोर देन इनफ मिल जाती है, आउटडोर एक्सट्रीम सनलाइट में भी वॉच को पहन के अगर यूज करने वाले कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपकी वॉच के साथ एक्सपीरियंस रहने वाला है वो डिस्प्ले को लेकर वो कहीं ना कहीं तगड़ा रहने वाला है। वैक गेस्चर वगैरह दे रखा है, और इसमें ये चीज मुझे अच्छी लगी कि इसमें डिस्प्ले जो है ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, वैसे ऑलवेज ऑन मोड आपको दे रखे हैं उन्होंने, यहाँ पर दो ही मिलते हैं, एक डिजिटल मिलता है एक एनालॉग मिलता है, बट कलर वाले आपको यहाँ पे ऑलवेज ऑन मोड प्रोवाइड कर रखे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो ब्राइट इनफ है, काफी सारे मैंने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाली वॉचेस रिव्यू कर रखी है यूज कर रखी है ना, तो उनकी AOD उतने ज्यादा ब्राइट नहीं होते, बट इसका AOD मोर देन ब्राइट है, और अगर आप नॉर्मली यूज करने वाले तो आपको कहीं ना कहीं विजिबल हो जाता है। हाँ सनलाइट वाले सिनेरियो में थोड़ी बहुत आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले से दिक्कत आ सकती है। जो सुपर एमोलेड वाली जो उन्होंने बात करी ना उससे यहाँ पर एक चीज मैंने खास नोटिस करी कि जो बेजल्स हैं वो नजर ही नहीं आता अगर आपने कोई ब्लैक वॉलपेपर लगा रखा है तो। बाकी हैं इसमें थोड़े बेजल्स दे रखे हैं, H2H बिल्कुल आपको डिस्प्ले नहीं मिलेगा, साइड में एक जैसे आपको पूरे बेजल्स हमें प्रोवाइड कर रखे हैं, तो वैसे डिस्प्ले बहुत तगड़ा है, मजा आ जाएगा आपको यूज के मामले में। बट वहीं अगर बात करूं मैं दूसरी चीजों के लिए इसकी बैटरी परफॉर्मेंस है, तो बैटरी परफॉर्मेंस यहाँ पर उन्होंने क्लेम कर रखी है अप टू 7 days, बट जैसा कि आप जानते हो कॉलिंग वाली फंक्शन दे रखी है, AMOLED प्रोवाइड कर रखा है, तो 48 घंटे मैक्स टू मैक्स चल सकती है वॉच, क्योंकि अगर आपने कॉलिंग वाला फंक्शन ऑन कर रखा है यूज कर रहे हो कंटिन्यूसली तो ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, बट अगर आप कॉलिंग फंक्शन यूज नहीं कर रहे तो हाँ आपको एक आध दिन का एक्सटेंशन और मिल जाएगा, जैसे कि पावर सेविंग मोड वगैरह भी दे रखा है तो थोड़ा बहुत बैटरी आप बचा भी सकते हो। तो मेरे हिसाब से एक नॉर्मल एवरेज सिनेरियो की मैं बात करूं तो 3 से 4 दिन के आसपास इसने लास्ट कर जाना है। अब वहीं रही बात इसमें वाटर रेटिंग को लेकर, तो IP68 रेटेड है, जबरदस्त रेटिंग मिल जाती है, 1.5 मीटर तक आप पानी के अंदर इसको ले आ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, और 30 मिनट्स तक आपकी वॉच सर्वाइव भी कर जाती है, तो ये बढ़िया पार्ट हो जाता है स्पेशली उन लोगों के लिए जो स्विमिंग वगैरह बड़ा पसंद करते हैं, और समर का टाइम है तो भाई साहब आप बिल्कुल पहन के डुबकी लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पर जो खास चीज है वो है सेंसर, और सेंसर के मामले में मेरे को यहाँ पर फास्ट ट्रैक का वर्क थोड़ा बेहतर लगा, एक्यूरेसी बढ़िया लगी जो मैंने एक्सपीरियंस किया ना एक दो दिन वॉच को पहनने के बाद। आपको 3 जो बेसिक सेंसर वो मिलेंगे, आपके SQ2 मिल जाएगा, HR मिल जाएगा, और एक्सेलेरोमीटर सेंसर, जो 3 आपके सेंसर होते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो हार्डवेयर वाइज तो वॉच एकदम फुलफिल्ड आपको मिलती है, बट UI एक बड़ा मसला आता है ना, देखो जब भी वॉच के इंट्रैक्शन को लेकर आती है, आपने चाइनीज वाली वॉचेस बहुत देख ली है, बहुत सारी सेम टू सेम UI देख ली, बट इसकी UI इम्पैक्टफुल है,
अलग यूज कर रखी है और बढ़िया चल रही है। तो अगर देखोगे ना आप टॉप स्वैपर करने पे, आपको आपका टॉगल वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ब्राइटनेस कंट्रोल मिल जाता है, पावर सेविंग मोड ऑन करना है, सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है, डीएनडी मोड में जाना है तो वो आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। नीचे स्वैप करने पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह जो भी आ रखी है उनको आप रीड वगैरह कर सकते हो। साइड स्वैप में आप देख सकते हो आपकी ट्रैकिंग्स वगैरह जो भी आपने किया है, आपने कितनी कैलोरीज बर्न करी, कितना सोए हैं, वो सब चीज़ दिख जाती है। अदर साइड से करने पर आपका मेन्यू अपेयर हो जाता है, जो भी फंक्शन वॉच में दे रखे हैं उनको आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। और सेंटर टच पे तो वही आपके जो कुछ वॉच फेसेस दे रखे होते हैं ना, जैसे यहाँ पे 5 दे रखे हैं, तो आप अपने हिसाब से चेंज वगैरह कर सकते हो। कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप एप्लीकेशन से ऐड भी कर सकते हो। और इसमें जो ये एनिमेटेड वॉच फेस है भाई, मुझे बड़ा कूल लगा है। तो भाई यूआई में आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहने वाला, दिक्कत नहीं आएगी आपको यहाँ पे। बट आते हैं इसमें फीचर्स को लेके, तो ब्लूटूथ कॉलिंग प्रोवाइड कर रखी है। और ब्लूटूथ कॉलिंग की सबसे खास बात क्या लगी मुझे यहाँ पे, सिंगल चिप इन्होंने यूज कर रखा है, कनेक्टिविटी बहुत प्रॉपर है और रिस्पॉन्स यानी कि जब भी कॉल आपको आते हैं आपको प्रॉपर वॉच पे दिख जाता है किसका कॉल आ रहा है और कॉल उठाने के बाद आप सीमलेसली बातचीत कर सकते हो। बाकी चीज़ें बात करूँ तो यहाँ पे आपको वही 3 चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि आपका फेवरेट कॉन्टैक्ट्स मिल जाएगा, डायल पेड मिल जाएगा, कॉल हिस्ट्री मिल जाती है। बट फेवरेट कॉन्टैक्ट्स में यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट है कि अगर आप एंड्रॉइड से कनेक्ट कर रहे हो इस वॉच को तो आप 100 फेवरेट कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हो। वहीं अगर आप iOS से कनेक्ट कर रहे हो तो आप 50 तक जो है फेवरेट कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे नाइंसाफी नजर आई है, क्यों कह रही है इसके बारे में मैं नहीं जानता, बट ये थोड़ा सा है। हाँ, पर रही बात जो परफॉर्मेंस है, किस तरह के माइक वर्क करते हैं, मुझे एक्सपीरियंस डिसेंट लगा। मतलब आप बातचीत वगैरह कर सकते हो, स्पीकर भी लाउड है इसका। बट आपको भी अगर मैं एक्सपीरियंस करके दिखा देता हूँ टेस्ट में कैसा आता है इसका परफॉर्मेंस। तो अगर अभी जो आप सुन रहे हो आ रही वॉच के माइक्रोफोन से, कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस है वॉच देगी कॉलिंग के टाइम पे। प्लस आपको इसमें कॉल स्विच करने का ऑप्शन भी दे रखा है, तो अगर आपको फोन पे स्विच करना है तो आप वॉच के थ्रू कर पाएंगे। कॉल कट करने का ऑप्शन दे रखा है, म्यूट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे वॉच में प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बाकी बढ़िया बढ़िया और भी फीचर्स प्रोवाइड कर रखे हैं, जैसे कि हेल्थ पर्सपेक्टिव से हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे 110 प्लस आपको स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं। और एक्टिविटी की जब भी बात आती है भाई साहब, आप इन मोड्स को यूज़ करो, इससे आपको बेहतर मालूम पड़ेगा कि आप कितना ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हो, कितने टाइम में कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो। और मैं तो रिकमेंड करता हूँ, मैं क्योंकि पर्सनली यूज़ करता हूँ इस चीज़ को, इसलिए मैं आपको भी कहना चाहूँगा। और बहुत सारे दे रखें तो अच्छी बात है, क्रिकेट फुटबॉल जो भी खेल रहे हो उसके टाइम पे आप वॉच को ऑन कर लो, मोड को और बकायदा ट्रैक कर लो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है HR SPO2 और आपका एक्सीलोमीटर सेंसर। अब एक्सीलोमीटर सेंसर की बात होती है जो आपके मोशन है, कितना आपने स्टेप चलाया है, जो स्टेप काउंटिंग की हम लोग बात करते हैं, तो भाई एक्यूरेसी अच्छी मिल जाती है इस वॉच के साथ। मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी कि स्टेप्स में ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा मोशन कर रहे हो बैठे बैठे, तो उसको भी रिकॉर्ड कर रहा था। मतलब प्रॉपर आप वॉक करोगे तभी इसको रिकॉर्ड करेगा, और ऐसा नहीं है कि डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, 3-4 पॉइंटर्स का ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा विद मेडिकल ग्रेड के कंपेयर में। वहीं SPO2 और HR को लेकर बात करूँ तो SPO2 की रीडिंग्स यहाँ पे आपको अच्छी मिल जाती है, HR की रीडिंग्स भी काफ़ी क्लोज टू क्लोज आपको मिल जाती है। बट जैसा कि आप जानते हो ना, अगर आप हेल्थ को लेकर कंसर्न रखते हो, क्योंकि वॉचेज ना इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं होती है, ऐसी आपको एक आइडिया देने के लिए होती है, तो आप मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट्स पे ही जाएं अगर आपकी हेल्थ में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि वो आपको बेहतर जो है आइडिया और ट्रैकिंग दे सकते हैं। हाँ, इस वॉच के सेंसर डेफिनेटली वॉचेस जो कंपेरेटिवली इस प्राइस में आते हैं उनसे बेहतर है, जो कि मुझे एक्सपीरियंस वाइज लगे। साथ ही मैं बात करूँ यहाँ पे स्लिप मॉनिटरिंग को लेकर, तो स्लिप मॉनिटरिंग आपको बढ़िया मिल जाती है। मतलब आप देख सकते हैं कि आपने कितना हार्ड स्लिप किया, लाइट स्लिप किया, प्लस आपने नैप लिया है दिन में तो वो भी रिकॉर्ड कर लेता है। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं सही लगी इसकी, और एक्यूरेट कहीं ना कहीं दे देता है ये। साथ ही मैं बड़े आपको कुल फीचर्स और भी देखने को मिल जाते, जैसे कि स्ट्रेस वगैरह अगर आपको मेजर करना है तो स्ट्रेस वगैरह मेजर कर लेता है। उतना मुझे ये समझ में नहीं आता कि कैसे करते हैं, बट इन्होंने फंक्शन दे रखा है तो वो आप कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। AI वॉइस वाला फंक्शन मुझे बढ़िया लगता है, मतलब जैसे आपको असिस्टेंट वगैरह जो है वेक करना है अपने फोन के, तो डायरेक्ट वॉच से आप वो कर सकते हो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह आपको मिल जाती है, अगर स्ट्रेस फील कर रहे हो तो थोड़ा रिलैक्स आप हो सकते हो। साथ ही में आपको वेदर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मतलब अगर प्रॉपर आप 3-4 दिन का वेदर फोरकास्ट देखना चाहते हो तो वॉच में वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, बट वो ऐप से आपको एक्सेस देना पड़ेगा उसको। अलार्म है, स्टॉप वॉच है, टाइमर, जो आपको एक बेसिक स्पोर्ट्स वाले जो लोग हैं उनको जो रिक्वायरमेंट रहती है वो आपको वॉच में दे रखा है इन्होंने। फैंडमैन फोन भी दे रखा है इनकेस अगर आपकी वॉच कनेक्टेड है आपके फोन से और फोन के यहाँ से रख के भूल गए हो, तो मतलब अपनी वॉच से फोन को ढूंढ सकते हो। फ्लैशलाइट बढ़िया लगी मुझे इसकी, क्योंकि ना आप देखोगे ना बहुत ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले है, तो आप इस अंधेरे में हो और डिस्प्ले बड़ा भी है तो मतलब बढ़िया आपको जो है फ्लैशलाइट वाला काम सही लगेगा इस वॉच के साथ में। साथ में देखोगे तो सेटिंग्स में आपको बहुत सारी और भी चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कि आपका AOD आपको ऑन करना है तो वो आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। डिजिटल एनालॉग में आपको दोनों बताया थे। मेन्यू स्टाइल में भी 2 ऑप्शन उन्होंने दिए रखे हैं, जो आपको चेंज करना तो कर सकते हो। वाइब्रेशन की जो इंटेंसिटी है वो मुझे पर्सनली बहुत सही लगी, और स्ट्रॉन्ग में जो फील और फीडबैक आता है भाई वॉच से वो काफ़ी अच्छा है। मतलब जो भी आपको SMS आएंगे या कॉल आएगा तो प्रॉपर एकदम वाइब्रेट करती है वॉच। साउंड सेटिंग भी दे रखी है, काफ़ी सारे लोग भी सवाल करते हैं ना कि रिंग करेगा कि नहीं करेगा, तो वॉच रिंग करती है जब भी कॉल वगैरह आता है। आपको ऑफ करना है तो आप ऑफ कर सकते हो, केवल वाइब्रेशन आप ले सकते हो वॉच से। प्लस वो स्क्रीन टाइम अगर आपको बढ़ाना है तो वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। फोन सेटिंग्स की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो फोन सेटिंग में आपको
ऑन करना है, मीडिया के ऑडियो को ऑफ करना है, तो वो आपको यहाँ पे फंक्शन उन्होंने दे रखा। काफ़ी सही वॉचेस में ये दिक्कत आती है ना कि हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं तो हमारे जो गाने वगैरह हम बजाते हैं फ़ोन में उसकी आवाज़ भी जो है स्पीकर में से आने लगती है वॉच की, तो वो चीज़ नहीं है। वो आपको यहाँ पे प्रॉपर उन्होंने ऑन ऑफ करने का बटन दे रखा है। अगर आपको सुनना है कुछ गाने वगैरह वॉच से तो ऑन करके आप वॉच से भी गाने सुन सकते हो, यानी कि एज अ ब्लूटूथ ये वॉच के वॉच का स्पीकर काम करेगा। सेटिंग में देखोगे तो वही आपको पावर ऑफ, रीसेट और रिस्टार्ट करने का ऑप्शन जो है आपको दे रखा है। तो ये कुछ इसके सेटिंग्स वगैरह दे रखी। हाँ, इन्होंने कुछ ना यूनिक गेम्स वगैरह प्रोवाइड कर रखे वॉच में, तो इंटरेक्शन आपका बढ़ सके वॉच के साथ में, जो कि फ्री टाइम में कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो। म्यूजिक कंट्रोल आपको मिल जाएगा, गाने वगैरह ट्रैक्स वगैरह चेंज करना है तो वो आप कर सकते हो। कैमरा कंट्रोल भी मिलता है, फोटोज वगैरह सेल्फी वगैरह लेनी है तो वॉच के थ्रू वो भी आप कर सकते हो। तो भाई साहब, इन टोटल ऑल वे में अगर बात करें तो ये वॉच आपको सारे फंक्शंस प्रोवाइड करती है जो एक आपको एसेंशियल रिक्वायर्ड है। और एप्लीकेशन की बात कर लूँ मैं तो भैया एप्लीकेशन मुझे बहुत से लगी, और फास्टर की जो रिफ्लेक्स की एप्लीकेशन है इसमें आपको सारी सेटिंग्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी। और जो वॉच फेसेस वाला जो हम लोग बात करते हैं, बढ़िया बढ़िया वॉच फेसेस यहाँ पे दे रखें। तो देखोगे आप तो एप्लीकेशन आपको फ्रंट में सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, कितनी कैलोरीज आपने बर्न कर रखी, आपकी जो एक्टिविटी, आपकी हेल्थ रिपोर्ट क्या है वो सब देख सकते हो। प्लस कॉम्पिटिशन कर सकते हो, जो लोग भी यहाँ पर आपकी कम्युनिटी में जुड़े हैं, जो फास्टर कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, उनका डाटा और रिकॉर्ड भी आपको दिखता है और सिटी वाइज दिखता है। तो जैसे इंदौर में जिन लोगों के पास फास्टर की घड़ी है उनका डाटा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, तो ये चीज़ भी यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर रखी है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो वॉच फेस वाला सेक्शन दे रखा है, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट बना रखे हैं इन्होंने, जैसे कि आपको प्रोग्रेशन वाला चाहिए, आपको नेचर वाले चाहिए, और जो सबसे मुझे कूल लगे वो एनिमेटेड वाले हैं। तो एनिमेटेड वाले आप यहाँ पे कुछ वॉच फेसेस लगा सकते हो जो बढ़िया लगते हैं। प्लस खुद के फोटो वगैरह लगाना है तो कस्टम में जाके आप बढ़िया से अपना खुद का एक जबरदस्त फोटो लगा सकते हो वॉच में, जो कि इसके एमोलेड डिस्प्ले पे बहुत ही ज्यादा सही लगता है, तो वो सर आपको मिल जाता है। बाकी अगर सेटिंग्स की बात करें तो मैं आपको यहाँ पर रिमाइंडर्स वगैरह दे रखे, फेवरेट कॉन्टेक्ट्स वगैरह जो ऐड करना है वो आप कर सकते हो। थर्ड पार्टी ऐप यानी गूगल हेल्थ और एप्पल हेल्थ का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है। तो एप्लीकेशन काफी फुलफिल्ड है और स्मूथ और काफी क्लीन तरीके से वर्क करती है, तो मैं उससे ज्यादा इंप्रेस हुआ यहाँ पर। अब रही बात कंक्लूजन को लेकर कर लें इस वॉच से रिलेटेड, तो भाई 4,000 रुपये की प्राइसिंग पे ये वॉच आपको मिलती है, और 4,000 रुपये की प्राइसिंग में कॉम्पिटिशन में वैसे बहुत सारी अच्छी अच्छी वॉचेज हैं, बट मेरे हिसाब से फास्टैग ने अपने आप को थोड़ा सा इवॉल्व किया और उनकी मुझे ये वाली वॉच पर्टिकुलरली बेहतर लगी, जो उनकी प्रीवियस जनरेशन वाली वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस जो आई थी उसके मुकाबले में। अब रही बात प्राइसिंग के हिसाब से देखेंगे तो कंपटीशन में डेफिनेटली थोड़ी सी प्राइसिंग आपको ज़्यादा लग सकती है काफ़ी सारे लोगों को, बट अगर आप फास्टैग में बिलीव करते हो तो डेफिनेटली वॉच बढ़िया है दोस्तों। अगर आप खरीदना चाहते हो तो इसकी जो बेस्ट बाय लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और कुछ ऑफर वगैरह लग रहे हैं, डिस्काउंट वगैरह मिल रहा हो, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी डील बन सकती है। 3,000-3,500 के आसपास में मिलती है तो मैं कहूँगा कि बेस्ट वॉच आपके लिए हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, काम आपके आ रहा है, तो भाई के लिए जरा से लाइक कर देना, कमेंट कर देना पैरा वाला, और बस दोस्तों के शेयर करना अगर फास्टर की इस वॉच के बारे में उनको जानकारी नहीं है तो जरूर से उनको बताना। बाकी यही था इस वीडियो में, जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिटिंग रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।